नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। गूगल ने अपने एआई इनिशिएटिव्स के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को पावर देने के लिए छोटे परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी एसएमआर के इस्तेमाल का फैसला किया है। गूगल ने इसके लिए काइरोस पावर के साथ समझौता किया है। ये समझौता बताता है कि बड़ी कंपनियां एआई टेक्नोलॉजीज की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किस ओर कदम बढ़ा रही हैं। ये दुनिया का पहला कॉर्पोरेट समझौता है जिसमें एसएमआर से बिजली खरीदी जाएगी। गूगल साल 2030 तक पहला रिएक्टर चालू करने की योजना बना रहा है और साल 2035 तक 6 से 7 रिएक्टरों से 500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। कलेक्टिवली इन रिएक्टर्स से 500 मेगावाट तक बिजली जनरेट होने की उम्मीद है, जिससे गूगल के डेटा सेंटर्स को कंसिस्टेंट और कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स मिल पाएगा। गूगल ने एक बयान में कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने सिंप्लीफाइड डिजाइन और इनहेरेंट सेफ्टी के कारण न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट में तेजी लाने के लिए एक नया रास्ता दिखाते हैं। गूगल के एनर्जी और क्लाइमेट यूनिट के सीनियर डायरेक्टर ने स्वच्छ विकास और एआई प्रोग्रेस को सपोर्ट करने में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। एआई की वजह से टेक कंपनीज में बिजली की मांग बढ़ रही है। गूगल अकेली कंपनी नहीं है जो परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस साल Amazon ने टैलेन एनर्जी से परमाणु डेटा सेंटर खरीदा और Microsoft ने भी 3 माइल आइलैंड के रिएक्टर को दोबारा शुरू करने के लिए समझौता किया। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2023 से 2030 के बीच अमेरिका के डेटा सेंटर की बिजली की खपत 3 गुना बढ़ जाएगी, जिससे नई ऊर्जा क्षमता की जरूरत होगी। SMR टेक्नोलॉजी को अपनाना न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में पोटेंशियल गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। ये रिएक्टर पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं और पोटेंशियली डिप्लॉय करने में आसान है। हालांकि ये तकनीक अभी भी अपने शुरुआती फेज में है और रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी सोलर और विंड की तुलना में एक कंसिस्टेंट पावर सोर्स है, हालांकि ये वेस्ट डिस्पोजल, पोटेंशियल एक्सीडेंट्स और हाई कॉस्ट से जुड़ी चिंताओं की वजह से विवादों में भी है। फिर भी जैसे जैसे एआई की एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, टेक कंपनीज अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए एक वायबल सॉल्यूशन के रूप में परमाणु ऊर्जा की ओर तेजी से रुख कर रही हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहें आज तक AI।